प्यारे दोस्तों, सज्जन मित्रों, हम आपको बताने जा रहे हैं कि बीजगणित का खोजकर्ता कौन है। खोजकर्ता ऑफ बीजगणित मतलब बीजगणित का आविष्कार किसने किया था उसके बारे में बता रहे हैं। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें प्यारे दोस्तों। उसके लिए हम आपको एडवांस में धन्यवाद दे देते हैं। और सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल पर बने रहिए ताकि हम आपको बहुत सारी वीडियो और आंसर्स क्वेश्चंस के हम देते रहें। और यूट्यूब पर हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। बीजगणित का जन्मदाता और बीज व्यंजक का आविष्कार कौन है उसी के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। तो चलते हैं आगे और तैयार हो जाइए, उसी के बारे में हम आपको बताएंगे। प्रमुख आविष्कार एवं आविष्कार उसी के बारे में बताने जा रहे हैं। प्रमुख आविष्कार एवं आविष्कारक, प्रमुख आविष्कार और आविष्कारक के बारे में बता देते हैं। सबसे पहले आर्किमिडीज का सिद्धांत, ये यूनान के द्वारा खोज किया गया था। फिर चलते हैं बीजगणित का आविष्कार अल-ख्वारिज्मी फारस देश ने किया था बीजगणित का आविष्कार। फिर चलते हैं अर्गंड लैम्प अम्मी अर्गंड ने, फ्रांस का था ये बंदा जो वैज्ञानिक था, अर्गंड लैम्प और अम्मी अर्गंड ने आविष्कार किया था। फिर चलते हैं तापमापी थर्मामीटर गैलीलियो गैलीली ने आविष्कार किया था, ये वैज्ञानिक था इटली का। फिर चलते हैं आगे खगोलीय दूरदर्शी जो है गैलीलियो गैली ने आविष्कार किया था और ये भी इटली के थे। फिर है बेरोमीटर का आविष्कार इवांगेलिस्टा टर्सिसली इटली, बेरोमीटर का आविष्कार भी इन्होंने किया था इटली वालों ने। फिर चलते हैं पेंडुलम घड़ी का आविष्कार क्रिश्चियन हाइजेंस ने किया था और ये बंदे थे वैज्ञानिक, नीदरलैंड के थे। चलो गुरुत्वाकर्षण बल का नियम सर आइजक न्यूटन ने किया था और ये थे इंग्लैंड के। प्रकाश का वेग लोवाउस रोमर डेनमार्क के वैज्ञानिक ने किया था इसका आविष्कार। गति के नियम का आविष्कार सर आइजक न्यूटन ने किया था और ये इंग्लैंड के थे। फिर चलते हैं मशीन गन दुनिया भर की कुलें एक साथ, जेम्स पकले ने, ये भी थे इंग्लैंड के भाई साहब। मशीन गन का आविष्कार जेम्स पकले ने किया था इंग्लैंड का। एक रेडियो एडविन एच आर्मस्ट्रांग संयुक्त राज्य अमेरिका ने इसका आविष्कार किया था। फिर चलते हैं आगे हाइड्रोलिक क्रेन का आविष्कार विलियम जॉर्ज आर्मस्ट्रांग यूके ने किया था। पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार जोसेफ आसफद्दीन ने किया था और ये थे इंग्लैंड के। फिर चलते हैं विश्लेषी इंजन का आविष्कार चार्ल्स बैबेज ने किया था, ये भी थे इंग्लैंड के आविष्कारक। फिर चलते हैं आवर्धक लेंस रोजर बेकन ने किया था इसका आविष्कार और ये थे इंग्लैंड के। फिर चलते हैं श्रीमान लियो बेकलैंड ने किया था बेकलाइट का आविष्कार, लियो बेकलैंड ने, संयुक्त राज्य अमेरिका ने इसका आविष्कार किया था। बिफोकल लेंस का आविष्कार बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था, ये संयुक्त राज्य अमेरिका के थे। फिर चलते हैं वायुयान वाला पैराशूट लुइस एस लेमोमॉर्ड ने किया था, ये थे फ्रांस के। फिर लोकोमोटिव का आविष्कार रिचर्ड ट्रिवेटिक इंग्लैंड ने आविष्कार किया था। फिर चलते हैं साइकिल का आविष्कार किया था मैकमिलन थे भाई साहब जर्मनी के। इलेक्ट्रिक मोटर का आविष्कार माइकल फेराडे ने किया था और ये इंग्लैंड के थे। फिर माइक्रोफोन का आविष्कार चार्ल्स व्हीटस्टोन इंग्लैंड ने इसका आविष्कार किया था। फिर चलते हैं ओम का नियम जॉर्ज एस ओम ने और ये थे जर्मनी के भाई साहब। एसी और डायनमो माइकल फेराडे इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे ये। फिर तार टेलीग्राफ वाला
सैमुअल एफ बी मोर्स संयुक्त राज्य अमेरिका ने आविष्कार किया था। सिलाई मशीन एलियास होवे संयुक्त राज्य अमेरिका ने इसका आविष्कार किया था। फिर सेफ्टी पिन वाल्टर हंट संयुक्त राज्य अमेरिका ने इसका आविष्कार किया था सेफ्टी पिन। फिर चलते हैं एलिवेटर का आविष्कार एलिजा जी ओटिस संयुक्त राज्य अमेरिका ने इसका आविष्कार किया था। फिर चलते हैं प्लास्टिक जो अभी बहुत ही हर एक इंसान की आवश्यकता बन चुका है। प्लास्टिक का आविष्कार अलेक्जेंडर पॉक्स ने किया था, ये इंग्लैंड के थे। बारूद डायनामाइट का आविष्कार किया था अल्फ्रेड नोबेल ने, और स्वीडन के थे ये अल्फ्रेड नोबेल। फिर इलेक्ट्रिक लैम्प बेक बेरल फ्रांस के थे ये। फिर चलते हैं टाइपराइटर का आविष्कार क्रिस्टोफर सोलेज और कार्लोस ग्लिडन संयुक्त राज्य अमेरिका ने इनका आविष्कार किया था। डीएनए फ्रेडरिक मेसर जर्मनी के थे ये। मोटरसाइकिल का आविष्कार एडवर्ड बटलर इंग्लैंड के थे, मोटरसाइकिल का आविष्कार। फाउंटेन पेन लेविस ए वाटरमैन संयुक्त राज्य अमेरिका, फाउंटेन पेन अमेरिका। इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर विलियम स्टेनले संयुक्त राज्य अमेरिका। कोका कोला जॉन पेम्बर्टन संयुक्त राज्य अमेरिका ने इसका आविष्कार किया था। इलेक्ट्रोकोड्रोग्राफ अगस्तिक वाल्टर ब्रिटेन ने इसका आविष्कार किया था। डायनामो का आविष्कार निकोला टेस्ला ने संयुक्त राज्य अमेरिका की थी ये। फिर डीजल इंजन रुडोल्फ डीजल जर्मनी ने इसका आविष्कार किया था। स्टोव का आविष्कार हड़ावे संयुक्त राज्य अमेरिका ने किया था। इलेक्ट्रॉन सर जोसेफ जे थॉम्पसन इंग्लैंड के थे ये वैज्ञानिक। फिर है रेडियोधर्मिता एक्सरे मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी फ्रांस। एस्प्रिन डॉक्टर फेलिक्स हॉफमैन जर्मनी। फिर आता टेप रिकॉर्डर वाल्डेमर फॉल्सन डेनमार्क के थे। फिर क्वांटम का सिद्धांत मैक्स फ्लैंक जर्मनी। लेजर किंग जिलेट संयुक्त राज्य अमेरिका, लेजर का उसका किंग जिलेट ने किया था। फिर चलते हैं मनोविश्लेषण सिगमंड फ्रॉयड ऑस्ट्रिया। फिर आगे आते हैं धुलाई की मशीन क्लॉथ वॉशिंग मशीन एल्वा फिशर संयुक्त राज्य अमेरिका। ई बराबर MC² एफ जो फॉर्मूला दिया था अल्बर्ट आइंस्टीन ने स्विट्जरलैंड के थे ये। एयर कंडीशनिंग का आविष्कार विलिस कैरियर संयुक्त राज्य अमेरिका। अणु परमाणु में अणु का अर्नेस्ट रदरफोर्ड इंग्लैंड के थे ये। अभिकलित चित्र कंप्यूटर वानेवर गुरु संयुक्त राज्य अमेरिका। कार रेडियो विलियम्स लीर और एल्मर वेवरिंग संयुक्त राज्य अमेरिका ने। बॉल पॉइंट पेन लॉजलो बीरो अर्जेंटीना। माइक्रोवेव ओवन पर्सी स्पेंसर संयुक्त राज्य अमेरिका। एकीकृत प्रीपथ GWA डमर इंग्लैंड। LCD हॉफमैन ला रोस स्विट्जरलैंड। कॉम्पैक्ट डिस्क RCA संयुक्त राज्य अमेरिका। फिर आता सापेक्षता का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन स्विट्जरलैंड। तो इन लोगों ने ये जो आविष्कार किए हमने शॉर्ट में बताए हैं, बाकी सारे बहुत सारे आविष्कार हैं जो हमने आपको अदर वीडियो में दिए हैं। तो ये शॉर्ट नॉर्मल दैनिक जीवन में यूजेबल जो चीज़ें हैं और उसके अलावा कुछ स्पेशल चीज़ें उनको हमने आपको बताया है। तो प्यारे दोस्तों शेयर सब्सक्राइब करते रहिए हमारे साथ और आविष्कार और आविष्कारक को जानते रहिए। ओके सर, थैंक यू, बने रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब करने के लिए एडवांस में आपको थैंक यू। ओके सर, और करंट GK के तहत हमारे साथ बने रहिए और इसके अलावा आविष्कार और आविष्कारक पढ़ते रहिए। उसी के तहत हम आपको बता देते हैं कि ये जो जानकारी हम जानकारी के लिए दे रहे हैं एक बार कंफर्मेशन अवश्य कर लें, ये सिर्फ जानकारी ही है। जानकारी के हिसाब से किसी भी आंसर का जवाब देने से पहले खुद का सेल्फ माइंड यूज करें और उसी के तहत आप अपने
इस क्वेश्चन का आंसर देने में और हम जो दे रहे हैं उसी को संदर्भ में ले सकते हैं। ओके सर, थैंक यू, बने रहिए हमारे साथ, और हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरी बार बता देते हैं कि आप सब्सक्राइब अवश्य कर लें, उसके लिए अगेन थैंक यू।